भारत लाने वाला है तेजस विमानों की जोरदार आंधी। 10-20 नहीं, एक साथ 223 तेजस ला रहा है एचएएल। तेजस मैन्युफैक्चरिंग में नए इतिहास लिखने वाला है भारत। दोस्तों, भारत के पास दो ऐसे हथियार हैं जिनको लेकर दुनिया में भूचाल मचा हुआ है, जिन्हें खरीदने के लिए दुनिया के कई देश लाइन में खड़े हुए हैं। पहला है ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरा है तेजस विमान। यहाँ पर बात होगी तेजस विमानों की। इन विमानों को लेकर भारत जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यकीन मानिए उसने दुनिया को भी हिला दिया है। तेजस मार्क 1 और उसके बाद तेजस मार्क 2 और उसके बाद भी भारत की प्लानिंग तेजस मार्क 3 पर चल रही है। यानी भारत इस विमान को छठी पीढ़ी के खतरनाक विमान में तब्दील करने की भयंकर प्लानिंग कर चुका है, जिसके बाद ना तो उसके सामने कोई टिक पाएगा और ना ही कोई उसके सामने आने की हिम्मत करेगा। दोस्तों, अब ये कैसे होगा, क्योंकि भारत जो मिशन कर रहा है वो तो बहुत बड़ा है। ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भारत को बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, क्योंकि एक तरफ तो भारत तेजस विमानों से खुद की सेनाओं को लैस करने वाला है, दूसरा भारत इसका मास लेवल पर एक्सपोर्ट भी करने वाला है। तो ऐसे में भारत को हर साल सैकड़ों विमानों का प्रोडक्शन चाहिए होगा। और वैसे भी अगर भारत अमेरिका को तेजस विमान बेचता है तो फिर उसके पीछे नाटो ग्रुप के जो सभी मेंबर देश हैं वो तेजस विमान खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आज भारत ने जो फैसला लिया है उसने दुनिया को भी हैरान कर दिया है, और सबसे अधिक तो चीन, फ्रांस और अमेरिका वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि भारत तेजस विमानों का सैलाब लेकर आने वाला है। भारत लाने वाला है 223 विमानों का तूफान। भारत में हर साल सैकड़ों तेजस होंगे रेडी। जहां एक तरफ भारत अगले कुछ ही महीनों में हर साल काफी बड़ी संख्या में फाइटर विमान बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम काफी बड़ी उपलब्धि हासिल करने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। दरअसल भारत का तेजस फाइटर विमान अब हर साल नए अपग्रेड और अपडेट के साथ सामने आता दिखाई पड़ रहा है। आज से कुछ साल पहले तक जहां दुनिया भर के दूसरे देशों के इंजीनियर और रक्षा विशेषज्ञ भारत का मजाक बनाया करते थे, आज वही भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, क्योंकि तेजस न सिर्फ एक सफल विमान के तौर पर सामने आ रहा है, बल्कि पहाड़ी इलाकों में इसके हल्के होने की वजह से परफॉर्मेंस को लेकर भी सभी देश काफी इंप्रेस्ड हैं। और सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब भारतीय वायुसेना ने 100 अतिरिक्त तेजस के ऑर्डर देने की बात कही। 83 तेजस पहले ही भारत अपनी वायुसेना के लिए ऑर्डर कर चुका है, जिनकी डिलीवरी अगले साल फरवरी से शुरू हो जाएगी, और अब इन 100 अतिरिक्त तेजस के ऑर्डर पाइपलाइन में आने की वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि तेजस फाइटर जेट के प्रोडक्शन करने की टाइमलाइन तेजी से आगे बढ़ाई जा सकती है। 83 तेजस के हिसाब से हर साल 100 तेजस डिलीवर किए जाने थे, जबकि अगर 100 अतिरिक्त तेजस का ऑर्डर अगले 3 से 4 महीनों के अंदर दिया जाता है तो इन्हीं फाइटर की प्रोडक्शन रेट को 24 तेजस प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये प्रोडक्शन रेट यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि तेजस के बढ़ते ऑर्डर को देखते हुए 2028 से हर साल 32 तेजस विमान का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत की क्षमता कितनी अधिक बढ़ चुकी है और हम तेजी से अपनी कैपेसिटी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ एक ऐसे समय पर देखने को मिल रहा है जब अगले साल के अंत तक हम तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान देख सकते हैं, जो अगले 5 सालों में यानी 2030 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि तेजस मार्क 1 के प्रोडक्शन के साथ ही हम तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रोडक्शन लाइन व्यस्त रहेंगी। ऐसे में इस नए मार्क 2 विमान के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन 2030 तक पूरा करके सभी प्रोडक्शन लाइन को आरंभ कर दें, या फिर नए प्रोडक्शन लाइन की स्थापना करें, जिससे अधिक अच्छा विकल्प यही होगा कि हम नए प्रोडक्शन लाइन की स्थापना करें, क्योंकि पुराने प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल मेंटेनेंस और रिपेयर सुविधाओं के लिए किया जाता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि भारत अगर सही से काम करता रहा और सरकारी कामकाज में कोई परेशानी नहीं आई तो अगले 5 से 10 सालों में भारतीय वायुसेना के पास 200 से अधिक की संख्या में तेजस विमान हो सकते हैं, जो कि भारत के लिए पेट्रोलिंग और डिफेंस के साथ साथ अटैक में भी एक फ्रंट लाइन फाइटर की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अब तेजस मार्क 1 पहले के मुकाबले काफी शक्तिशाली और एडवांस जेट है, जिसके विकास में हम एविएशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लेकर नई ऊंचाइयां हासिल करते जा रहे हैं।
एयरफोर्स को मिला पहला ट्विन सीटर तेजस, किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है विमान। दोस्तों हाल ही में HAL ने इंडियन एयरफोर्स को पहला ट्विन सीटर लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस सौंप दिया है। यह ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह वजन में हल्का और हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने HAL को 18 ट्विन सीटर विमान का ऑर्डर दिया है। इनमें से 8 अगले साल तक दे दिए जाएंगे। बचे हुए 10 विमान 2026-27 तक मिलेंगे। भारतीय वायुसेना के पास LCA तेजस का एक एडवांस वर्जन Mark 1A मौजूद है। यह एक फाइटर जेट है जो 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 6 तरह की मिसाइलों को लेकर जाने में सक्षम है। 30 जुलाई को एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 को तैनात किया है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उसके पायलट घाटी में उड़ान भरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कश्मीर पड़ोसी देशों चीन पाकिस्तान के लिहाज से काफी संवेदनशील है। तेजस मार्क 1A मल्टीरोल हल्का लड़ाकू विमान है जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा वक्त में 31 तेजस विमान हैं। भारतीय वायुसेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने विमानों को पहले भी लेकर जाती रही है ताकि उन्हें हिमालय की घाटियों में उड़ान भरने का एक्सपीरियंस भी मिलता रहे। आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट हैं उनमें सुखोई Su-30MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी कई खूबियों की वजह से बाकी के चारों फाइटर जेट से काफी अलग है। इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में तैयार हुई है। इनमें इजराइल के ELM-2052 रडार लगाया गया है। इससे यह एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना लगा पाने में सक्षम है। बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता है। यह फाइटर जेट सुखोई, राफेल, मिराज और मिग से हल्का है। इसका वजन 6500 किलो है। हालांकि दोस्तों इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।